हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम नेजल पॉलिप की ट्रीटमेंट यहां पर सीखने वाले, ऐसे सुजोक एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि जिनके जरिए आप घर पर ही नेचुरली बिना किसी दवाई के नेजल पॉलिप की ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो पहले जान लेते कि नेजल पॉलिप होता क्या है। नेजल पॉलिप यानी कि हमारे नाक का जो एयर पैसेज होता है, वह पैसेज पर जो लाइनिंग होती है, जो बॉर्डर होती है, वहाँ पर एक्स्ट्रा मास बढ़ने लगता है, मास का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। वह मास एक की संख्या में हो सकता है या तो बहुत संख्या में बढ़ सकता है। अगर वह मास बहुत ही छोटा है और कम संख्या में, तो वह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिलाएगा। पर अगर वह मास की संख्या बढ़ जाती है या तो फिर उनका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी साइज बढ़ जाती है, फिर वह आपको प्रॉब्लम दिलाता है। आपको ब्रीदिंग लेने में दिक्कत होने लगती है, आपकी जो सूंघने की क्षमता होती है वह भी कम होना शुरू हो जाती है, आपको साइनस की तकलीफ हो जाती है, बार बार आपको कोल्ड हो जाता है, रनिंग नोज हो जाते हैं, आपके नाक में कंजेशन हो सकता है, बार बार आपको इन्फेक्शन भी लग सकती है। इसीलिए नेजल पॉलिप की ट्रीटमेंट करनी बहुत ही जरूरी पड़ जाती है। डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो वह आपको नेजल पॉलिप को काटने को बोलते हैं, उनकी सर्जरी करने को बोलते हैं। यहाँ पर आपको मैं पूरी नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। अगर यह ट्रीटमेंट आप नियमित थोड़े टाइम के लिए करते हो तो आपको कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी एक्स्ट्रा मास का ग्रोथ हुआ है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सुजोक थेरापी का पॉइंट आपको मैं सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है, किस तरीके से सुजोक सीड थेरापी का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से एक्यूप्रेशर देना है, वह सब कुछ डिटेल में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको हाथ की पोजिशन सही रखनी बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से आपको अपने हाथ को रख देना है, यानी कि जो पाम का एरिया है वह इस तरीके से रखना है, थंब को ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पर सुजोक कोरोस्पोंडेंस थेरापी के हिसाब से जो हमारा थंब होता है वह हमारे हेड के एरिया को रिलेट करता है, यानी कि जिस तरीके से हमारे हेड में, हमारे फेस में होता है, उसी तरीके से हमारे थंब में सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारा नोज होता है वह हमारे पूरे चेहरे के सेंटर में होता है, इसी तरीके से हमारे थंब का जो सेंटर एरिया होता है वह हमारा नोज होता है। वह किस तरीके से आप लोकेट करोगे, जहां पर हमारी जो फिंगरप्रिंट की रेखा की शुरुआत होती है वह बिंदु को आपको मार्क कर लेना है। तो यहां पर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर हमारी जो फिंगरप्रिंट की जो शुरुआत होती है, थंब प्रिंट की जो शुरुआत होती है वह यह पॉइंट है। तो यह पॉइंट को पहले आपको लोकेट कर लेना है, फिर आपको ऐसा एक टूल लेके इस तरीके से आजू बाजू थोड़ा घुमाना है, जहां पर सबसे ज्यादा टेंडर पॉइंट आपको मिले, जहां पर दबाने से सबसे ज्यादा आपको पेन मालूम पड़े, वह पॉइंट आपको पकड़ लेना है। वहां पर 2 से 5 मिनट के लिए इस तरीके से एक्यूप्रेशर देना है, वह बिंदु को रिलीज करना है, टेंडर पॉइंट को रिलीज करना है। तो इतनी थेरापी करने के बाद इस पॉइंट पर फिर आपको सीड लगाना है, किस तरीके से लगाना है वह टेक्निक आपको मैं सिखा देता हूं। तो यहां पर हमारा जो पॉइंट है वहां पर हमें सुजोक सीड थेरापी से ट्रीटमेंट देनी है। तो यहां पर हम मूंग के दाने का इस्तेमाल करेंगे, इनके अलावा आप जो ब्लैक पेपर होती है इनको भी लगा सकते हो। तो आधे इंच चौड़ी पेपर टेप लेनी है आपको, इनके ऊपर आप एक मूंग के दाने को इस तरीके से लगा दीजिए। फिर जो हमारा बिंदु था, जो नाक का बिंदु था, उस पॉइंट पर हमें यह दाने को इस तरीके से अच्छे से लगा देना है। इनके ऊपर आप दूसरी पेपर टेप भी लगा सकते हो।
इनको आप पूरा दिन रख सकते हो या तो फिर आप रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। इनको इस तरीके से आप अगर दिन में लगा रहे हो तो ऐसे आप प्रेस भी कर सकते हो, हर एक घंटे एक या तो दो मिनट के लिए इनको दबा दीजिए, फिर इनको आप सुबह के टाइम निकाल दीजिए। दूसरी बार जब आप ट्रीटमेंट करो तब आपको यह दाना फिर से यूज नहीं करना है, नया सीड आपको लेना है, क्योंकि जो सीड होता है उसमें जर्मिनेटिंग पावर होता है, हीलिंग एनर्जी होता है, जो कि हमारा जो डिसीज है उनको हील करने में हमें फ़ायदा करती है। इसलिए एक बार यूज़ करने के बाद इनकी एनर्जी चली जाती है, दूसरी बार हमें नया सीड लेना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सुजोक सीड थेरापी से ट्रीटमेंट करनी है नेजल पॉलिप की। तो नेजल पॉलिप के लिए यहाँ पर हमने सुजोक थेरापी का एक पॉइंट जाना और इनका सीड थेरापी से किस तरीके से आप इलाज कर सकते हो वह भी जाना। यहाँ पर आप इस पॉइंट को एक थंब या तो दोनों थंब पर भी ट्रीटमेंट दे सकते हो। दोनों थंब पर अगर ट्रीटमेंट देते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स और बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इतनी सिंपल ट्रीटमेंट करके आप नेजल पॉलिप का पूरी तरीके से नेचुरली इलाज कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। Thank you for watching.